पहला अध्याय परिमेय संख्याएं है। तो छात्रों परिमेय संख्याओं के सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर एक है, शून्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका उत्तर होगा परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्संगत। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए को भर लेंगे। प्रश्न नंबर दो है, 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 4/6। 4/6 को हम 2 के पाड़े से काट सकते हैं, 2 × 4 और 2 × 3 = 6, ठीक है। तो ये 2/3 के बराबर आ गई, तो ये ही समतुल्य संख्या है। इसका ऑप्शन है सी, तो यहाँ हम सी को भर लेंगे। प्रश्न नंबर तीन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ अपने मानक रूप में है ये 20/30 को हम यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे तो 2/3 हो गई, ये अपने मानक रूप में नहीं है। और ये 10/4 इसको भी हम 2 के पारे से काट सकते हैं, और एक 6/3 को भी हम 3 के पारे से काट सकते हैं, लेकिन हम 1/2 को किसी की भी पारे से नहीं काट सकते, तो ये अपनी मानक स्थिति में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, तो यहाँ सी को हम भर लेंगे इस प्रकार से। प्रश्न नंबर चार, 1/7 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा? चलिए इस सवाल को करते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 11/6। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी को भर लेंगे। प्रश्न नंबर पाँच है, 1 आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है, भूमि का परिमाप कितना होगा? इसका उत्तर है छात्रों ऑप्शन नंबर बी, 30 मीटर। तो यहाँ हम बी को भर लेंगे। दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। -4/9 + -4/9 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने इसको इस प्रकार से हल किया है, -4/9 + -4, और इन दोनों के हर की संख्या समान है, तो यहाँ पर हमने 9 लिख लिया एक ही बार, ठीक है। अब इसके ब्रैकेट से इन दोनों को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, तो ये दोनों माइनस की हो जाएंगी, माइनस माइनस और माइनस माइनस जुड़ जाता है, 4 और 4 कितने हो गए 8, और नीचे 9 की 9, लेकिन माइनस माइनस का यहाँ पर संख्या होती है तो माइनस का ही चिन्ह आता है, तो -8/9 इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7, सरल कीजिए, 3/7 × 28/15 / 14/5। तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया है 3/7 × 28/15। अब यहाँ पर हमने भाग के चिन्ह को हटाकर गुणा का चिन्ह लगा देंगे, और ये वाली संख्या आपस में बदल जाएंगी, ये नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, तो यहाँ 5 ऊपर आ गई और 14 नीचे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम 5 के पाड़े से 5 × 5 ये काट देंगे, और 5 के पाड़े से इसको काट देंगे, 3 बार कट जाएगा, ठीक है। और ये 14 के पाड़े से कट जाएगा, 14 × 14 14 × 2 = 28। तो यहाँ पर बचा 3/7 यहाँ पर बचा, ठीक है, और ये 2/3 बचा, तो ये 2/3 लिख लिया। अब यहाँ पर 3 और ये 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2/7, 2/7 बचा, तो यही इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 8 है, 1 हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 1 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है? 1020 किलोमीटर। 25/6 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी? 25/6 लेकर गुणा 1020 लिख लिया किलोमीटर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 के पाड़े से 1020 को काट देंगे, 6 × 6 लीजिए, 6 × 6 4 बचेंगे इसमें से, 4 इसको दे देंगे, कितने हो गए 42, 6 × 7 = 42, और ये 0 का 0, तो 170 बार कटेगा, और 25 और 170 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा 4250 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 9 है, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर हमने ये सवाल लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना होगा इन दोनों संख्याओं में से कॉमन कौन सी है, उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है, 6/5 और यहाँ भी 6/5 है, तो ये 6/5 को हमने बाहर लिख लिया, यहाँ पर लिखा -3/12 और ये 5/12 यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब इसको आगे हमने यहाँ लिखा है 6/5 गुणा इन दोनों के हर समान है, तो यहाँ एक बार लिखेंगे 12 और ये 3 और ये 5 इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। अब ये 6/5 को इस प्रकार से लिख लिया, 5 में से 3 घट जाएंगे, कितने बचेंगे 2, और ये 12 की 12। अब ये 6 के पाड़े से कट जाएंगे,
6 × 6 = 12, ठीक है। और 2 के पारे से ये कट जाएगा, 2 × 2 = 2, तो कितना बचेगा 1/5, तो यही इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10 है, यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तार की कुल लंबाई कितनी है 143/2 मीटर, 26 टुकड़े करने पर प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 143/2 भागे 26 से इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ही 143 को हमने इस प्रकार से लिख लिया, वही भाग के चिन्ह को हटाकर गुणा का चिन्ह लगा देंगे और ये संख्याएं आपस में पलट जाएंगी, ये एक ऊपर आ गया और 26 नीचे, ठीक है। इसका इसमें गुणा कर देंगे, 143 आएगा वो 26 का 2 में सब गुणा कर देंगे तो 52 आएगा। अब 52 से इसमें भाग देंगे 143 में तो हमारा उत्तर आएगा 2 × 39/52 मीटर, ये इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 11, एक किसान के पास 49 × 4/5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक खेत है, वह इसे अपने एक पुत्र और 2 पुत्रियों में बराबर बराबर बांटना चाहता है, प्रत्येक के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खेत का कुल क्षेत्रफल कितना 49 × 4/5 बराबर, यहाँ पर ये मिश्र भिन्न में दिया है, इसको हम भिन्न के रूप में बदल देंगे, 5 का इसमें गुणा करके और 4 को जोड़ के ये बन जाएगा हमारा 249/5 हेक्टेयर। अब तीनों में बराबर बांटने पर प्रत्येक का भाग कितना होगा 249/5, या 249/5 लिख लिया और 3 से इसमें भाग दे देंगे तो 249/5 लिख लिया। अब ये भाग के चिन्ह को डाल के यहाँ गुणा लगा देंगे, ठीक है, और ये संख्या आपस में पलट जाएंगी, इसके नीचे कुछ नहीं होता तो एक मानते हम, ये एक ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे, ये एक ऊपर हो गया और 3 नीचे, 249 को 3 के पारे से काट सकते हैं हम तो कितना आएगा 83 और ये 5/5। अब 5 से इसमें भाग देंगे हम तो हमारा उत्तर आएगा 16 × 3/5, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, क्या 1 × 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। 1/2 को हम लिख सकते हैं 5/3, 3 का इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 3 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5, तो 5/3 हो गया। का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम यानी उल्टा कर देंगे कितना हो जाएगा 3/5। अब 5 से 3 में भाग देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 0.6, ठीक है। प्रश्न नंबर 13, नीचे दी गई सारणी कुछ सामान्य पदार्थों के उन भागों को प्रदर्शित करती है जो पुनः प्रयुक्त किए जाते हैं, याद यह पदार्थ और पुनः प्रयुक्त, कागज का मान है 5/11, एल्यूमिनियम के डिब्बे 5/8, कांच 2/5, अन्य 3/4। पहला प्रश्न पूछा है, क्या कागज के पुनः प्रयुक्त व्यक्त करने वाली परिमित संख्या 1/2 से अधिक है या 1/2 से कम। दूसरा है, बड़े से छोटे क्रम में पुनः प्रयुक्त मात्राओं को व्यवस्थित कीजिए। इसका पहला सवाल का उत्तर है 5/11, 1/2 से कम है। दूसरा सवाल है 3/4, और यहाँ पर हमने घटते क्रम में लिखा है 5, 5/8, 5/11 और 2/5, यहाँ पर इनके नाम भी लिखे हैं हमने, अन्य एल्यूमिनियम के डिब्बे, कागज, कांच, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, 3 विद्यार्थी ए, बी और सी अपने घर से विद्यालय के लिए क्रमशः 5/4, 3/4 किलोमीटर और 7/3 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। पहला सवाल है, विद्यार्थी ए और बी की दूरियों का अनुपात क्या है। दूसरा है, सबसे ज़्यादा दूरी किस विद्यार्थी द्वारा तय की गई। यहाँ ए का मान दिया है 5/4 किलोमीटर, बी का मान दिया है 3/4 किलोमीटर और सी का मान दिया है 7/3 किलोमीटर। पहला सवाल है, ए और बी का अनुपात, ए का मान है 5/4 और अनुपात निकालना है हमें, तो यहाँ पर हमने अनुपात का चिन्ह लगाया है 3/4। अब यहाँ पर हम 5/4 को इस प्रकार से लिख लेंगे और ये अनुपात की जगह हम यहाँ भाग का चिन्ह लगा सकते हैं और ये 3/4 इस प्रकार से लिख लिया, ठीक है। यहाँ 5/4 को इस प्रकार से और भाग के चिन्ह को डाल के हम गुणा का चिन्ह लगा लेंगे और ये संख्या आपस में पलट जाएगी। अब ये 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा 5/3, तो 5/3 या 5:3 ही इसका उत्तर होगा। दूसरा है, विद्यार्थी सी
दूसरा सवाल था, सबसे ज़्यादा दूरी किस विद्यार्थी द्वारा तय की गई? इसका उत्तर है विद्यार्थी सी, 7/3 किलोमीटर द्वारा सबसे ज़्यादा दूरी तय की गई है, यही इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 15 है, नीचे एक मैजिक वर्ग दिया है, उचित संख्याओं को वर्गों में इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ और विकर्ण के योग बराबर हो। तो यहाँ पर ये हमारी पंक्ति कहलाएगी, ये सारी पंक्तियाँ हैं और ये स्तंभ है, ठीक है। मैजिक वर्ग की एक पहचान होती है, जितनी भी पंक्तियाँ होती हैं उन सभी पंक्तियों का योग समान आना चाहिए, और जितने भी स्तंभ होते हैं उन सभी स्तंभों का योग समान आना चाहिए, और इनके विकर्ण, ये विकर्णों का योग भी समान आना चाहिए, ठीक है। यही मैजिक वर्ग की पहचान होती है। तो आप यहाँ पर इसका उत्तर लिख सकते हो -21/133, और यहाँ पर आएगा 24/38, और यहाँ पर है 70/95 और 25/95, ठीक है। इसी के साथ हमारा अध्याय नंबर 1 कंप्लीट होता है। छात्रों, आज हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित का अध्याय नंबर 2 करेंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए छात्रों, इस अध्याय के प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन समीकरण है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 15 = 5+2x। प्रश्न नंबर 2 है, 3x+2 = 13 में x का मान क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी x = 11/3। प्रश्न नंबर 3 है, एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं केवल एक, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, दो संख्याओं का योग 16/7 है, यदि एक संख्या 11/7 है तो दूसरी संख्या कौन सी है? दूसरी संख्या कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5/7। प्रश्न नंबर 5 है, किसी संख्या के तिगुने में 15 जोड़ने पर 93 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26। दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6 हल कीजिए, यहाँ दिया है 5x-3 = x+2। यहाँ हम क्या करेंगे, बिना x वाली संख्या को इस साइड लिख लेंगे और x x वाली संख्या को इस साइड लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, 5x-3 = x+2। ये सवाल को हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब ये 5x और ये x का यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 3 का इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। 5x में से 1x घटा देंगे कितना आएगा, 4x, और 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5x, 4x = कितना आ गया, 5। अब ये 4 यहाँ से हटके इसके बटे के नीचे आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x = 5/4, ये इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 7 है, किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम -3 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। माना वह संख्या x है, तब हमने x में 8 से भाग दे देंगे, कितना आएगा, -3। अब यह 8 इसके बटे में तो इसका पक्षांतर हो जाएगा इस साइड, तो इसके गुणा में आ जाएंगे, x = -3×8, इन दोनों को गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 24, -24 आएगा। वह संख्या कौन सी होगी, -24 होगी। प्रश्न नंबर 8 है, रमेश ने एक संख्या सोची, उसका 2 गुना किया और उसमें 20 जोड़ा, परिणामी संख्या को 25 से भाग देने पर 4 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? माना वह संख्या x मान ली, ठीक है, तब 2x+20/25 = कितना आएगा, 4। 2x+20 = 4×25 हो जाएगा, ये 25 का यहाँ पर हम इससे गुणा कर देंगे, ठीक है, ये कर दिया, 2x का 2x और ये 20, 25 और 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 100। यहाँ पे 20 का पक्षांतर कर देंगे तो 2x 100, ये 100 लिख लिया, और ये प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएंगे, 100 में से 20 घटा देंगे कितना आएगा, 80। अब 2 इसके गुणा में है तो ये बटे में चले जाएंगे, यहाँ पर 2 के पड़े से 80 को काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 40, तो वह संख्या कौन सी होगी, 40 होगी। प्रश्न नंबर 9 है, 10 के 2 क्रमागत गुणजों का योग 210 है, तब इनमें से छोटा गुणज क्या होगा? 10 के 2 क्रमागत गुणज 10x और 10x+10, ये हमने मान लिए, ठीक है। अब इन दोनों का योगफल कर लेंगे, 10x+10x+10 = 210, 10x और 10x कितना हो जाएगा, 20x, और ये 10 इस प्रकार से इसका पक्षांतर कर देंगे हम तो ये माइनस को जाएंगे, 210 में से 10 घटा देंगे कितना आएगा, 200 आएगा। अब 20 इसके गुणा में है तो बटे में आ जाएंगे, तो 2 के पड़े से इसको 0 से 0 काट देंगे और 2 से इसको काट देंगे कितना आएगा,
ये आएगा 10, ठीक है। तो पहला गुणज क्या हो जाएगा, 10x, 10 की जगह 10, x का मान हमारा 10 निकला है तो 10 रख देंगे, 10 का 10 गुणा करेंगे कितना आएगा 100, पहला गुणज आएगा 100। प्रश्न नंबर 10 है, x के किस मान के लिए निम्न आकार का परिमाप 186 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर एक आयत दिया है, ठीक है, इसकी लंबाई दी है यहाँ पर 2x प्लस 66 और इसकी चौड़ाई दी है 5x प्लस 6। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर ये आयत का परिमाप दिया है 186 लिख लिया, 2 की जगह 2, लंबाई कितनी है 2x प्लस 66, तो यहाँ 2x प्लस 66 लिख लिया, और चौड़ाई कितनी है 5x प्लस 6, 5x प्लस 6 लिख लिया, ठीक है। अब दो इसके गुणा में है तो ये इसके बटे में आ जाएंगे 186 के, ये लिख लिया हमने 186 बटे 2 बराबर 2x और 5x कितने हो जाएंगे 7x, ये लिख लिए 66 और 6 कितने हो गए 72, ठीक है। दो के पारे से 186 को हम यहाँ काट देंगे, कितनी बार कटेगा 93 बार, यहाँ 93 बार कट जाएगा दो के पारे से, तो 93 बराबर 7x प्लस 72, 7x प्लस 72। अब इसको हमने इस प्रकार से यहाँ से लिख लिया 7x प्लस 72 बराबर 93, इसको हम आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, ये 72 का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 93 में से 72 घटा देंगे 21 बचेंगे, और ये 7 इसके गुणा में है तो ये 21 के बटे में आ जाएंगे, 7 के पारे से 21 को काट देंगे हम, क्या आएगा 3, तो 3 इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 11, एक बढ़ई एक पतंग बनाने के लिए 2600 लेता है, इसमें प्रयोग की गई सामग्री की लागत 1100 रुपये है तथा मजदूरी 200 रुपये प्रति घंटा है, बढ़ई ने कितने घंटे कार्य किया, कुल खर्च कितना है 2600 रुपये, सामग्री लागत कितनी है 1100, मजदूरी कितनी होगी 1500, 2600 में से 1100 घटा देंगे कितना हो जाएगा 1500। अब 200 रुपये प्रति घंटे से कार्य करने पर कुल घंटे कितना हो जाएगा, 1500 में से 200 को भाग दे देंगे तो ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0, ठीक है, कितना हो जाएगा 15 बटे 2, अब 2 से 15 में भाग देंगे हमारा उत्तर आएगा 7 सही 1 बटे 2 घंटे। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, समीकरण हल कीजिए, जेड बटे 2 माइनस 1 बटे 5 बराबर जेड बटे 3 प्लस 1 बटे 4, यहाँ पर हम जेड जेड, यहाँ पर हम जेड जेड वाली संख्याओं का पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर जेड बटे 2 इस प्रकार से लिख लिया और जेड बटे 3 को इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे बराबर 1 बटे 4 की 4, और ये माइनस का 1 बटे 5 है, इसको इस साइड लिख लेंगे तो प्लस के हो जाएंगे। अब जेड का इससे गुणा कर देंगे और इसका इससे गुणा कर देंगे कितना, 3 का जेड से करेंगे 3 जेड, 2 का जेड से करेंगे माइनस के 2 जेड, और इन दोनों का आपस में कर देंगे 6 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका करेंगे 5 का 1 में 5 और 4 का 1 में 4 और 4 और 5 का कर देंगे कितना आएगा 20, 3 जेड में से 2 जेड को घटा देंगे कितना हो जाएगा 1 जेड, अब 6 इसके बटे में है तो इधर जाके गुणा में आ जाएंगे, तो 5 और 4 कितने हो गए 9 और 9 बटे 20 आ जाएगा जी, 6 इसके गुणा में आ जाएंगे, अब इसका गुणा कर देंगे 9 और 6 का 54 हो जाएगा और ये बटे में 20, इसको 2 के पारे से हम काट सकते हैं, 2 के पारे से 20 को काटेंगे 10 बार कटेगा, 2 के पारे से 54 को काटेंगे 27 बार कटेगा, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा 27 बटे 10, इसको हम दशमलव के रूप में भी ले सकते हैं, जेड का मान आएगा 2.7, ये इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 13, समीकरण हल कर उत्तर की जांच कीजिए, 5x माइनस 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 7 बराबर 2 ब्रैकेट में 3x माइनस 1 प्लस 7 बटे 2, यहाँ पर ये 5x को इस प्रकार से लिख दिया, 2 का अंदर गुणा कर दिया कितना हो जाएगा 2×4x और 2×7=14, ये माइनस का है, माइनस का 2 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस के 4x हो जाएगा, माइनस का 2 का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस के 14 हो जाएंगे, अब 2 का इसमें गुणा कर देंगे हम, 2×3=6 और 2×1=2, ये प्लस 7/2 इस प्रकार से लिख लिया, ठीक है, 5x में से 4x को बढ़ा देंगे 1x बचेगा 14×14, अब ये यहाँ पर 6x माइनस 2 है, यहाँ पर हमने कुछ नहीं था इसके बटे में तो एक मान लिया, इसका इसमें गुणा कर देंगे 2 से पूरे में गुणा कर देंगे कितना आएगा 12x माइनस 4 और ये प्लस का 1, 1 का इसमें गुणा कर देंगे 7 आएगा और इन दोनों का आपस में करेंगे कितना आ जाएगा 2, ये 2 इसकी संख्या के बटे के नीचे हैं तो यहाँ पर इस साइड जाएगा तो गुणा हो जाएगा 2x और ये 28 आ जाएगा, 2 का गुणा x में करेंगे 2x और 2 का गुणा 14 में करेंगे तो 28 आ जाएगा और ये 12x प्लस 3 7 में से 4 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 3, 2x की जगह 2x ये 12 इस साइड उठा के ले आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे और 28 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा, अब ये माइनस के 12 हैं और ये प्लस के 2x है घट जाएंगे कितना हो जाएगा माइनस का 10, ये माइनस के 28 है प्लस के 3 है घट जाएंगे कितना आएगा माइनस के 25 आएगा,
अब ये एक्स का मान निकालना है हमें, तो 10 इसके गुणा में है तो बटे में चले जाएंगे इसके, 25 बटे 10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, और 10 से इसमें भाग दे देंगे, 5 के पहाड़े से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 25, कितना आएगा एक्स का मान 5/2। प्रश्न नंबर 14 है, एक माँ और उसकी दो पुत्रियों ने एक कमरे का निर्माण 75,000 में करवाया। बड़ी पुत्री ने अपनी माँ के भाग की धनराशि की 3/8 धनराशि का योगदान दिया तथा छोटी पुत्री ने अपनी माँ के भाग की धनराशि की 1/2 धनराशि दी। तीनों ने पृथक पृथक कितनी धनराशि का योगदान दिया? उत्तर है, माना कि माँ ने एक्स, बड़ी पुत्री ने 3x/8 और छोटी पुत्री ने x/2, तब इन सबको जोड़ लेंगे, एक्स प्लस 3x/8 प्लस x/2 बराबर 75,000। इन सबका एलसीएम लेंगे 8 और 2 का, तो कितना आएगा हमारा एलसीएम 8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 8 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 8x, ये 3x और ये 4x हो जाएगा, जहाँ पर एलसीएम हमारा 8 आया था, 2 के पड़े से 8 को काटेंगे 4 आएगा, तो 4 का इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये 8x हो गया, ये 3x और ये 4x/8 बराबर 75,000। इन सबको जोड़ देंगे, कितना हो गया 15x/8 और ये 75,000। अब ये 8 इसके बटे में इधर आके गुणा में आ जाएंगे, यहाँ पर लिख लिया हमने x बराबर 75,000 गुणा 8, ठीक है। 15 इसके गुणा में बटे में आ जाएंगे, ये बटे में हमने 15 भी लिख लिए, ठीक है। 15 के पहाड़े से 75,000 को काट देंगे, कितनी बार कटेगा 5,000 बार, और गुणा में 8, 8 और 5,000 का गुणा कर देंगे, हमारा आएगा 40,000। तो हमारा आया माँ, माँ का मान हमने x माना था, x बराबर कितना आया 40,000 रुपये दिए। बड़ी बेटी ने 3x/8 माना था हमने इसका मान, तो x की जगह हम 40,000 रख देंगे, 8 से 40,000 को काट देंगे, 5 बार कटेगा, और 5 का 3 में गुणा कर देंगे 15, तो 15,000 आएगा। छोटी पुत्री ने, छोटी पुत्री को हमने माना था x/2, तो यहाँ x का मान 40,000 रख दिया और बटे में 2 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 20,000। प्रश्न नंबर 15 है, नीचे समीकरण मॉडल दिया गया है, 5x-6=4। यहाँ पर ये x वाली संख्याओं को दिया गया है, ठीक है, और ये माइनस वाली संख्याओं को इस प्रकार से दर्शाया गया है, और ये प्लस वाली संख्याओं को इस प्रकार से दर्शाया गया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 7y+14=7, और दूसरा है 5x-6+6=4+6। उपरोक्त समीकरणों के मॉडल बनाइए, यहाँ 7y है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से ये 7 ग्लास बना लेंगे, ठीक है, और ये प्लस वाली संख्याओं को इस प्रकार से प्लस से दर्शाया गया है, और ये प्लस वाली संख्या है तो उसको प्लस से दर्शाया है। ये 5x है तो इस प्रकार से ये 5 बना लिए, और ये माइनस के 6 है तो ये माइनस के 6 बना लिए, प्लस के 6 है तो ये प्लस के 6 बना लिए, बराबर प्लस के 4 और प्लस के 6। इसी के साथ छात्रों हमारा अध्याय नंबर 2 कम्प्लीट हो गया। हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडे स्टडी क्लासेस में। छात्रों आज हम एडग्रेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित का अध्याय नंबर 3 करेंगे, चतुर्भुजों को समझना। चलिए छात्रों किस अध्याय की प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 360। प्रश्न नंबर 2 है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोणों पर समद्विभाजित करते हैं तो वह होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी आयत। प्रश्न नंबर 3 है, षटभुज के प्रत्येक अंतकोणों का योग होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 720। प्रश्न नंबर 4 है, एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर है, चौथे कोण की माप 120 डिग्री है, बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप होगी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 80 डिग्री। यहाँ पर सी को भर लेना आप, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, एक वर्ग ए बी सी डी में विकर्ण वो बिंदु पर मिलते हैं तब त्रिभुज ए वो बी है देख। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लिखेना और ऑप्शन नंबर ए को इस प्रकार से बन लेना। प्रश्न नंबर 6, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह कोण का माप 60 डिग्री है। इस पर है समबहुभुज की भुजाओं की संख्या 360/60 लिख लेंगे और इसको यहाँ पर काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे और 6 के पहाड़े से 36 को काट देंगे, कितनी बार कटेगा 6 बार। इसको उत्तर आ रहा है यहाँ पर 6, यानी इसकी भुजाओं की संख्या 6 होगी। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, दी गई आकृति में कोण x का मान ज्ञात कीजिए।
यहाँ पर हमें ये कोण एक्स का मान ज्ञात करना है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 110 डिग्री है। इसका अर्थ हम जानते हैं बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। आप जितने भी बाह्य कोण हैं उन सबको जोड़ लेंगे, 90, 60, 110, ये 90, 60, 110 और एक्स इन सबको जोड़ दिया 360 के बराबर होगा। 90, 60, 110 को जोड़ेंगे आएगा 260 प्लस एक्स और बराबर 360। 260 को 260 का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 360 में से 260 को कटाएंगे, 100 बचेगा, तो एक्स का मान आ गया 100 डिग्री। प्रश्न नंबर 8 है, एक बहुभुज का प्रत्येक अंत कोण 108 डिग्री है, इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका हल है बाह्य कोण बराबर 180 माइनस 108 डिग्री। 180 में से 108 को कटाएंगे कितना आएगा 72 डिग्री, अतः भुजाओं की संख्या 360/72। इसको यहाँ पर 360 में 72 से भाग दे देंगे, हमारा उत्तर आएगा 5। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है, दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण R बराबर 80 डिग्री है हो तो अन्य सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। कोण R बराबर कितना दिया है 80 डिग्री, कोण P और बराबर होगा कोण R के, ये सम्मुख कोण है, ये दोनों सम्मुख कोण है तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो कोण P का मान भी कितना आ जाएगा 80 डिग्री, कोण R प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री। ये आसन कोण होते हैं, आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पर कोण R का मान दिया है 80 डिग्री और S का मान निकाल लेंगे हम, 80 का पक्षांतर कर देंगे माइनस के हो जाएंगे, 180 में से 80 बढ़ाएंगे कितना आएगा 100 डिग्री, तो कोण S बराबर कितना हो जाएगा 100। कोण Q बराबर कितना आ जाएगा, कोण Q और बराबर है कोण S के, ये कोण Q और कोण S दोनों आपस में बराबर हैं, सम्मुख कोण है, जो मान Q का होगा वही S का मान होगा यानी 100 डिग्री। प्रश्न नंबर 10 है, किसी सम बहुभुज के 22 कोण का अंत कोण से अनुपात 1:4 है, इस बहुभुज की संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 1:4 है तो उसको हम 1x और इसको 4x मान लेंगे, ये 1x और ये 4x बराबर 180 डिग्री, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5x बराबर 180 डिग्री। 5 का यहाँ पर बटे में आ जाएंगे, 5 के पहाड़े से 180 में बटेंगे कितनी बार बटेगा 36 बार। बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकाल लेंगे, 360 में 36 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर 36 की टेबल से कट जाएगा ये 10 बार, इसका उत्तर होगा 10। प्रश्न नंबर 11 है, दिए गए समांतर चतुर्भुज में एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। इसका हल है 6y बराबर 120 डिग्री, यहाँ पर ये सम्मुख कोण है, ये इसके बराबर होगा तो 6y बराबर 120 डिग्री, 6 इसके बटे में आ जाएगा तो 6 के पहाड़े से 120 को बटेंगे 20 बार कटेगा, तो y का मान कितना आएगा 20 डिग्री। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 120 प्लस 5x प्लस 10 बराबर 180 डिग्री, इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे, 180 डिग्री के बराबर होगा, 120 और 10 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 130, 130 का पक्षांतर कर देंगे माइनस के हो जाएंगे, अगर आप ये माइनस के हो गए ये 5x, 180 में से 130 घटा देंगे कितने बचेंगे 50, 5 इसके बटे में आ जाएंगे, 5 के पहाड़े से इसको काट देंगे कितनी बार कटेगा 10 बार, तो x का मान कितना आ गया 10 डिग्री और ये y का मान कितना आ गया यहाँ पर 20 डिग्री। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, पतंग PQRS में एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। कोण S बराबर है कोण Q के जो कि 110 है, कोण S बराबर है और Q के, ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये 110 डिग्री का है, तो Y का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, Y का मान कितना हो जाएगा 110, ये सम्मुख कोण है। ठीक है, ये 110 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस X बराबर 360 डिग्री, इन सभी कोणों को लिख दिया है यहाँ पर जोड़कर बराबर 360 के, 110 60 और 110 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 280, 280 का पक्षांतर कर देंगे माइनस के हो जाएंगे, 360 में से 280 घटा देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 80 डिग्री, एक्स का मान कितना आएगा 80 डिग्री। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, दिए गए आयत PAIR में कोण ARI कोण RMI और कोण PMA ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने इसका उत्तर इस प्रकार से लिखा है, कोण ARI बराबर 180 डिग्री माइनस 35 प्लस 90 डिग्री, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 125 डिग्री, 180 में से 125 को घटा देंगे 55 डिग्री आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री और 180 में से जो घटा देंगे कितना आएगा 55 डिग्री। इसी प्रकार से कोण RMI बराबर 180 माइनस 110 बराबर 70 डिग्री आएगा, कोण PMA बराबर 70 डिग्री आएगा जो कि शीर्ष अभिमुख कोण है। इस प्रकार से आप यहाँ प्रश्न नंबर 13 का हल लिख सकते हो। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 90 डिग्री कोणों वाले दो समान सेट स्क्वायर को आपस में मिलाकर दो अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज
बनाइए एवं प्रत्येक चतुर्भुज का अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। छात्रों प्रश्न नंबर 14 का उत्तर आप इस प्रकार से यहाँ पर इस टेबल को भर सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, एक पतंग विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज बनाकर उसके बाह्य कोणों की मापों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें इस प्रकार से एक पतंग बनानी है। ठीक है, और उसके ये सभी बाह्य कोणों की मान ज्ञात करना है हमें। यहाँ पर ये बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है और इसका यहाँ पर ये ज्ञात करना है, इसका यहाँ पर ये ज्ञात करना है। ठीक है, और इसका ये यहाँ पर ये ज्ञात करना है। इसके बाह्य कोण कैसे निकालेंगे? ये एक रेखा है, एक ही रेखा पर ये कोण बने। यहाँ पर 180 डिग्री कोण होगा, 180 डिग्री में से 110 बटा देंगे, कितना बचेगा? 70 डिग्री। ठीक है, 180 में से 60 को बटा देंगे, कितना आएगा? 120 डिग्री। 180 में से 110 को बटा देंगे, 70 डिग्री आएगा। 180 में से 80 को बटा देंगे, यहाँ पर ये 100 डिग्री आएगा। इस प्रकार से ये सभी बाह्य कोणों को हमने ये जोड़ लिया, 100, 70, 120 और ये 70, सबको जोड़ेंगे कितना आएगा? 360। यही इसका उत्तर है छात्रों। छात्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ घंटी के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और छात्रों यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो ताकि वे भी ये कार्य आसानी से कर सके। धन्यवाद छात्रों। हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेज स्टडी क्लासेस में। छात्रों आज हम एडवेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित का अध्याय नंबर 4 करेंगे, आंकड़ों का प्रबंधन। चलिए छात्रों इस अध्याय के प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखीय निरूपण है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पाई चार्ट। यहाँ पर आप डी को कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चित्रालेख। प्रश्न नंबर 3, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता है। इसका उत्तर होगा छात्रों ऑप्शन नंबर ए, 1/6। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/2। प्रश्न नंबर 5 है, राहुल वरुण और अनिल एक रंगीन पहिए को घुमाने का खेल खेल रहे हैं। यदि तीर लाल रंग पर रुकता है तो राहुल जीत जाता है, यदि तीर नीले रंग पर रुकता है तो वरुण जीत जाता है, यदि तीर हरे रंग पर रुकता है तो अनिल जीत जाता है। इस खेल को न्याय संगत बनाने के लिए निम्न में से कौन सा रंगीन पहिया प्रयोग किया जाना चाहिए? छात्रों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6, एक थैले में 5 लाल गेंदे हैं और 3 पीली गेंदे हैं, थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। हमें लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो लाल गेंद कितनी है? 5, और कुल गेंद कितनी है? 5 और 3 8, तो 8 से भाग दे देंगे, कितना आएगा? 5/8। इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है 5 से बड़ी एक संख्या, दूसरा है 5 से बड़ी संख्या नहीं, तीसरा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, चौथा है सम संख्या। इनके उत्तर है 1/6, दूसरे का है 5/6, तीसरे का है 1/6 और चौथे का है 3/6। तीन के पड़े से इसको काट देंगे, 1/2 आएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, एक दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर छात्रों हमें एक दंड आलेख दिया गया है, इसको इस चित्र को देखकर हमें ये प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला है, इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है? पहला है, इस दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या प्रदर्शित हो रही है। दूसरा प्रश्न है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम वृद्धि हुई है? तो इसका उत्तर है 2004-2005 में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है। तीसरा है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? 2007 से लेकर 2008 वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है। चौथा है, बताइए कि यह सत्य है या असत्य कि 2005-2006 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-2004 की संख्या की दुगनी है? इसका उत्तर है असत्य। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्न द्विदंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
यहाँ पर द्विदंड आलिंग दिया गया है, इसको देखकर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला है, इस द्विदंड आलेख को आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है? इसका उत्तर है, इस द्विदंड आलेख में दो शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त अंक प्रदर्शित हो रहे हैं। किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार आया? उत्तर है, गणित विषय में। किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई? अंग्रेजी में। चौथा है, किस विषय में प्रदर्शन में समान रहा है? हिंदी में समान रहा है। प्रश्न नंबर 10 है, दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है? आंकड़ों को दंड आलेख में दर्शाइए। यहाँ पर ये वर्ष की संख्या दी गई है और ये उत्पादन लाख टनों में, ठीक है। यहाँ पर हमें आंकड़ों को दंड आलेख में दर्शाना है। तो छात्रों, इस प्रकार से यहाँ पर आप दंड आलेख बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वर्षों की संख्या दी गई है, माना पैमाना 1 इकाई = 10। यहाँ पर आप लिख सकते हो उत्पादन लाख टनों में। इस प्रकार से आप यहाँ पर दंड आलेख बना लीजिएगा छात्रों। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न 11, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पर हमें इस विषयों को पाई चार्ट में प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर पाई चार्ट में प्रदर्शित करने के लिए इन सभी विषयों को हमें कोण निकालना होगा। इन सब पर कितना योग है? 90, ठीक है। तो 90 का अगर कोण निकालेंगे कितना आएगा? 40/90 कुल योग से भाग देते हैं और 360 से गुणा करते हैं पाई चार्ट निकालने के लिए। तो यहाँ पर 40/90 × 360, यहाँ पर हम 10 से इस 0 को काट देंगे, ठीक है, और 9 के पारे से इसको काटेंगे। कितनी बार कटेगा? 40 बार। तो 40 का इसमें गुणा कर देंगे, 160 आएगा। इसी प्रकार से अंग्रेजी में 25/90, यहाँ पर अंग्रेजी का मान दिया 25 बटे 90 लिखेंगे और 90 के पारे से 360 को काटेंगे तो उसका हमारा टोटल उत्तर आएगा 100। इस प्रकार से छात्रों, यहाँ पर आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा और इस प्रकार से यहाँ पर इन सभी के यहाँ पर कोण दिए गए हैं, ठीक है। और ये पाई चार्ट का चित्र आप इस प्रकार से बना लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 है, 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है, चार्ट देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया गया और इन प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं? साइकिल से स्कूल जाने वाले विद्यार्थी 90/360 लिखेंगे। यहाँ पर साइकिल से मान दिया है 90 डिग्री और 360, अगर इसको अमल करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 168 विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। दूसरा है, कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं? बस से जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 120, यहाँ पर 120 डिग्री दिया है, 120 में 360 से भाग देंगे और 672 इसका टोटल विद्यार्थी हैं, तो उसका हल करेंगे हम, उत्तर आएगा हमारा 224। यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे और 12 के पारे से ये काट देंगे, 12 × 12 = 36। फिर 3 के पारे से 672 को काट देंगे हम तो 224 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे और ये 9 के पारे से 9 × 9 = 36। 4 के पारे से 672 को काटेंगे, 168 आएगा। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 13, दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है, पाई चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है? 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है और ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। निकालना है हमें। पहले में उत्तर आएगा 46%, दूसरे का है टैंक और तीसरे में आएगा 25%। प्रश्न नंबर 14 है, किसी व्यक्ति की मासिक आय 15,000 है, उसके द्वारा मासिक बचत को पाई चार्ट पर दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, उसके द्वारा कितनी मासिक बचत की गई? यह मासिक आय का कितना प्रतिशत है? इसका आधा है मासिक बचत बराबर 60/360 × 15,000। यहाँ पर ये 0 से 0 काट देंगे और 6 के पारे से ये काट देंगे, 6 × 6 = 36, ठीक है, 6×6 = 36। 6 के पारे से काट दिया इसको, 6 के पारे से अब यहाँ पर इसमें भाग दे देंगे, हमारा उत्तर आएगा 6×6 = 6, 6×2 = 12, 3 बजे यहाँ पर 3 जाएंगे, 30 हो गए, 6×5 = 30 और ये 2 0 आएगा, कितना आ जाएगा? 2,500 इसका उत्तर आएगा। मासिक बचत कितनी हुई? 2,500। प्रश्न नंबर 15 है, आप अपनी एक दिवस की दिनचर्या में व्यतीत समय जैसे स्कूल सोने खेलने आदि के लिए नीचे दी गई सारणी भरिए, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। स्कूल के यहाँ पर गतिविधि दी गई है, गतिविधि में व्यतीत समय भिन्न रूप और
360 की भिन्न। स्कूल जाने के लिए हमें 6 घंटे लगते हैं, खेल खेलने के लिए 4 घंटे, घर पर पढ़ाई 5 घंटे, सोने के लिए 6 घंटे और अन्य 3 घंटे। यहाँ पर 6 घंटे हैं तो 6/24 देखेंगे, 4 घंटे हैं तो 4/24, 5/24, 6/24, 3/24, 6/24 देखेंगे और 360 से बढ़ा कर देंगे। इसको हल करेंगे हम तो हमारा आएगा 180/2, इसको हल करेंगे हम तो हमारा आएगा 120/2, इसको हल करेंगे तो 150/2, इसको हल करेंगे तो 180/2, इसको हल करेंगे तो 90/2। यहाँ पर हमें 360 की भिन्न संख्या के रूप में लिखना था तो ये हमने भिन्न के रूप में लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अध्याय नंबर 4 के प्रश्न उत्तर कर सकते हो। छात्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ घंटी के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और छात्रों यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो ताकि वे भी ये कार्य आसानी से कर सके। धन्यवाद छात्रों। हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टुडे स्टडी क्लासेस में। छात्रों आज हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित का अध्याय नंबर 5 करेंगे, वर्ग और वर्गमूल। चलिए छात्रों इस अध्याय के प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है संख्या पैटर्न। यहाँ पर हमें एक पैटर्न दिया गया है, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है और ये 6 का वर्ग है। अब क्या आएगा, 7 का वर्ग। 7 का वर्ग यानी 49। सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी को आप इस प्रकार से बना लीजिएगा, यहाँ पर सी और ये 49। प्रश्न नंबर 2 है किसी संख्या के इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या के इकाई का अंक होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6, या ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 169 का वर्गमूल होगा, इसका उत्तर होगा छात्रों, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 13, यहाँ पर हम डी को कर लेंगे इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 4 है किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर डी को कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 है 5.5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे में कालीन बिछाने के लिए कितने वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 30.25 वर्ग मीटर, 30.25 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर भर लेंगे हम। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6 संख्या 44 का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें 44 का वर्ग ज्ञात करना है तो 44 पर घात 2 लगा लेंगे। 44 को लिख सकते हैं हम 40+4 और घात 2 लगा लेंगे, ठीक है। अब ये पूरे ब्रैकेट में घात 2 है तो उसको 2 बार लिख लेंगे और 40 का गुणा इसमें कर देंगे और इसमें कर देंगे। 40 का गुणा इसमें करेंगे ये आएगा और 40 का गुणा 4 में करेंगे ये आ गया, ठीक है। अब 4 का गुणा 40 में करेंगे और 4 में करेंगे, 4 का गुणा 40 में कर दिया, ठीक है, 4 का गुणा 4 में कर दिया, ये लिख दिया। 40 का 40 का गुणा होगा 1600, 40 और 4 का गुणा होगा 160, 4 और 40 का गुणा होगा 160 और 4 और 4 का गुणा होगा 16, इन सबको जोड़ देंगे उत्तर आएगा हमारा 1936, यही इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 7 है हल कीजिए। ये सभी संख्या वर्गमूल में दी गई है, इसको हल करते हैं। सबसे पहले 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12 का होता है, तो यहाँ पर 12 लिख लेंगे, ठीक है। अब 52 और 12 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 64। अब 64 किसका वर्गमूल होता है, 8 का, तो ये 8 आ गया। अब 248 और 8 को जोड़ लेंगे कितना आएगा 256, 256 का वर्गमूल होता है 16, यही इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 8 पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। तो पाइथागोरस त्रिक ये होती है m² - 1 m² + 1 और 2m। यहाँ पर क्या किया हमने, 2m = 12 मान लिया, m का मान निकालेंगे, 2 इसके बटे में आ जाएंगे, 2 के पड़े से कट जाएगा 6 बार में, m का मान आ गया 6। अब हम m² - 1 की जगह, यहाँ पर m की जगह 6 रख देंगे, m की जगह 6 रख दिया और -1, 6 पर घात 2 का मतलब होता है 36 और ये -1, 36 में से कटाएंगे कितने बचेंगे 35। अब m² + 1 की जगह हम 6 रख देंगे, यहाँ पर 6 रखा, m की जगह 6 रखेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा +1, 36 और 1 37। छात्रों तो पाइथागोरस त्रिक के 3 सदस्य हो गए 12, 33 और 37। प्रश्न नंबर 9 अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 1296 का हमें वर्गमूल निकालना है, 1296 को 2 के पड़े से काटेंगे, 6 बार कटेगा ये 4 बार कटेगा, एक बचा इसको दे दिया, ये 2 8 16 हो गए। अब 2 के पड़े से फिर काट दिया, 2 3 6, 2 3 4, 2 4 8, 2 के पड़े से फिर काट दिया,
दो एकम दो, एक बचा इसको दे दिया, दो छिंग 12, दो दुनी 4, दो अट्ठे 16, दो एकम दो। अब ये तीन के पाड़े से कटेगा, 3 × 2 = 6, ये 2 है, और दो बचे इसको दे दिए तो 3 के पाड़े में 21 आएंगे, 3 × 7 = 21, 3 के पाड़े से 27 काट दिए 9 बार, और 3 के पाड़े से 9 को काट दिए 3 बार, और 3 × 3 = 3, 1296 का आएगा 36, यही इसका उत्तर है। इसी प्रकार से 289 का करेंगे, 17 के पाड़े से कटेगा 17 बार, तो इसका उत्तर होगा 17। अगला प्रश्न करते हैं छात्रों, प्रश्न नंबर 10, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण संख्या बन जाए। 600 का यहाँ पर हम वर्गमूल निकाल लेंगे, 600 को 2 के पाड़े से काटेंगे 300 बार कटेगा, फिर 300 को 2 के पाड़े से काटेंगे 150 बार कटेगा, और 2 के पाड़े से फिर 150 को काटेंगे 75 बार कटेगा, 3 के पाड़े से काट देंगे आप 25 बार कटेगा, और 5 के पाड़े से 25 5 बार, और ये 5 × 5, तो इस प्रकार से निकलेंगे हम 600 बराबर 2 × 2 × 3 × 5 × 5, यहाँ पर ये इसका जोड़ा बन रहा है और इसका जोड़ा बन रहा है, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं का जोड़ा नहीं बन रहा, तो हमें 1 3 और 1 2 की आवश्यकता है, यानी कि 3 × 2 = 6 की आवश्यकता है, तो इसमें 6 से भाग देंगे हम तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 6 से 600 में भाग दिया कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। अब 100 को हम इसका वर्गमूल ले लेंगे, 100 का वर्गमूल होगा 2 × 5, तो 2 और 5 का गुणा कर देंगे कितना आएगा 10, तो वह छोटी संख्या कौन सी होगी, 6 होगी। छात्रों यहाँ लिख देंगे हम वह छोटी संख्या 6 होगी, ये इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 11 है, भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये भाग विधि से हमें 625 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम भाग विधि से करेंगे, तो इसके दो जोड़े बनाएंगे पीछे से, ठीक है। अब ये बचा 6, तो 2 का पाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है, और 2 ही इसमें जोड़ देंगे, 2 और 2 को जोड़ा कितना आएगा 4, 2 का पाड़ा 2 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 4, 6 में से 4 को बढ़ाए कितने बचे 2। अब 25, ये पूरा 25 यहाँ पर उतार लेंगे, कितना हो गया 225, ठीक है। अब 4 ये जोड़ने पर हो गए हमारे 4, अब 4 के साथ इससे गुणा किया जाए कि ये 225 हो जाए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, और 5 से ही इसमें गुणा करेंगे, 5 से इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 5 लिख दिए, 5 से इसमें गुणा करेंगे 225 आएगा, और इन दोनों को जोड़ लेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 50, तो हमारा उत्तर हमारा शेषफल क्या आएगा 0, तो 625 का वर्गमूल कितना आ गया 25, यही इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 12 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 200 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 के पाड़े से काटेंगे 100 बार, फिर 2 के पाड़े से काटेंगे 50 बार, फिर 2 के पाड़े से काटेंगे 25 बार, और फिर 5 के पाड़े से काटेंगे 5 बार कटेगा, 200 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे 2 × 2 × 2 × 5 × 5, ठीक है। यहाँ पर ये इस संख्या का जोड़ा बन गया और इस संख्या का जोड़ा बन गया, तो ये 2 बचा 2 से इसमें 200 में गुणा कर देंगे कितना आएगा 400। अब 400 का वर्गमूल निकालेंगे हम, कितना बार कटेगा जी, यहाँ पर ये 2 जोड़ा बन गया, ये 2 जोड़ा बन गया, और ये इसका 2 जोड़ा बन गया, ठीक है। अब ये सभी जोड़े बन गए, जैसे इसमें से 5 बार आ जाएगा, इसमें से 2 बार आ जाएगा, इसमें से 2 बार आ जाएगा, इसका सब में आपस में गुणा कर देंगे 5 × 10 × 10 = 20, तो 400 का वर्गमूल क्या होगा 20। वह छोटी संख्या क्या होगी 2 होगी, ना लिख देंगे वह छोटी संख्या 2 होगी, ये इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 है, 12 और 21 ऐसी अद्भुत संख्याओं के युग्म हैं कि वे इनके वर्ग 144 और 441 एक दूसरे के अंक पलटने से प्राप्त होते हैं, क्या आप ऐसी अन्य संख्याओं के युग्म प्राप्त कर सकते हैं। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 21 का स्क्वायर क्या हुआ 441, तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आएगा, और 31 का स्क्वायर करेंगे 961 आएगा, यही इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 14 है, एक व्यापक ड्रिल अभ्यास के लिए विभिन्न स्कूलों के 6250 विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी रहे जितनी की पंक्तियों की संख्या है। ऐसा करने पर प्रशिक्षक यह पाता है कि 9 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं। इस वर्ग की प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल विद्यार्थी कितने हैं 6250, उसमें से शेष कितने रह जाते हैं 9, तो 9 को इसमें से घटा देंगे कितना आएगा 6241। अब हम 6241 का भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। 7 के यहाँ पर ये जोड़ा बनेगा और ये जोड़ा बनेगा। अब यहाँ पर हम कौन सी संख्या लें कि 62 से ज़्यादा ना हो, तो 7 संख्या ली और 7 का ही पाड़ा पढ़ना पड़ेगा 7 बार, तो 7 49 हो गए, ठीक है। 62 में से 49 बढ़ाएंगे 13 बचे और ये 41।
अब ये इन दोनों को जोड़ दिया, 14 हो गए। अब 14 के साथ कौन सी संख्या लिखें कि उसी से गुणा करने पर ये गया 341 आया है। तो यहाँ हम 9 लिखेंगे और 9 ही जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 158। अब यहाँ पर 9 आ गया, ठीक है, 149 का 9 से गुणा कर देंगे, ये गया 341 आएगा। तो इसका उत्तर होगा, अतः प्रत्येक पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या 79 होगी, यही इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 15 है, आप अपने घर के उत्तर की ओर चलते हैं और फिर मुड़कर पश्चिम की ओर चलते हैं ताकि आप अपने मित्र के घर पहुंच जाएं। लौटते समय आप अपने मित्र के घर से अपने घर तक का विकर्ण चल कर पहुंचते हैं। लौटते समय आपने कितनी दूरी तय की? यहाँ पर हमें सातों चित्र बनाना पड़ेगा। ये मान लीजिए हम यहाँ पर उत्तर की दिशा की ओर चल रहे हैं, ठीक है, ये हमारा घर है, उत्तर की दिशा की ओर चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है आप अपने घर से उत्तर की ओर चलते हैं, ये हमारा घर है, हम उत्तर की ओर चल रहे हैं इस प्रकार से, फिर मुड़कर पश्चिम की ओर चलते हैं, पश्चिम हमारा इस साइड हुआ, ये पश्चिम की ओर चल रहे हैं, ठीक है, ताकि आप अपने मित्र के घर पहुँच जाएँ। लौटते समय आप अपने मित्र के घर से अपने घर तक विकर्णता चलते हैं। तो यहाँ पर हमें अपने घर तक जाना है, तो हमारा घर कहाँ है, ये हैगा, यहाँ पर आ गए, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ ए और ये बी सी नाम दे दिया, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लंब और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। अब लौटते समय आपने कितनी दूरी तय की? तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो छात्रों इस प्रकार से आप अध्याय नंबर 5 के सवालों को हल कर सकते हो। छात्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ घंटी के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और छात्रों यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो ताकि वे भी ये कार्य आसानी से कर सके। धन्यवाद छात्रों।